The boy's law
for an ideal gas, follow the Boyle's law. For an ideal gas, over moderately wide range of pressure, then it is called, Boyle's temperature. Boyle's temperature or Boyle's point. Boyle's temperature or Boyle's point. अब एक कुल मिला कल आपको बता दिया था शायद ये बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, जहां कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है उसको बैक टेम्परेचर। क्या कहा था आपसे, बॉयल्स टेम्परेचर क्या था, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहां कोई रियल गैस किसकी तरह एकदम लग जाए आइडियल गैस की तरह, और ऐसा नहीं थोड़ी बहुत टेम्परेचर प्रेशर पर, वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, एक डेफिनेट प्रेशर रेंज है उसी पर अपन बात करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ और गैलिस्टिक्स लॉ। हमने पहला पढ़ लिया डेविएशन, किससे पढ़ा है हमने, बॉयल्स से, अब हम किससे पढ़ेंगे चार्ल्स से, और फिर किससे पढ़ेंगे एवोगाड्रो से। चार्ल्स डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ और आपको बेटा इतने दिनों से कहां से, दोनों एक साथ में, दोनों एक साथ में, चलो हर गैस के लिए पॉसिबल नहीं है और हर कंडीशन में पॉसिबल
केवल ये कंडीशन लो प्रेशर पर ही ऑपरेट हो रही थी, प्रेशर इंक्रीज करने पर ये कन्वर्जन ऑपरेट नहीं हो रही। कितना क्यों तुम आप वही तो है ना VT upon V0 equal to T plus 273 जो आपने T के जगह 80 सेल्सियस लिखा है ऊपर तो 273 ने यहाँ इस फॉर्मूले को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। ये आपने T डिग्री सेंटीग्रेड लिया था। यदि मैं क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड लूँ तो यहाँ पे कहाँ लिखेगा 1 प्लस 273 लोगे, तो ये तो हमने पहले कर लिया था। तो अब यहाँ T की जगह क्या लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड से शो करना है। तो मैंने यहाँ कितना बढ़ाया, तो क्या लिखेंगे, बनी लिखेंगे बेटा, कन्वर्ट तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ना अपन। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते तो ऊपर तो 274 आ रहा है। अब बता तू कितना बढ़ाना चाह रहा है टेंपरेचर, तू ये बता। ये जो अपना है ना VT / V0, अब मेरे को ये बता तू कितना टेंपरेचर बढ़ाना चाह रहा है पहले के कंपेयर में। तो अब तू यहाँ पर इसको जब सॉल्व आउट करेगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 273 प्लस टी करना है कि नहीं करना, कर दिया ना यहाँ पर। और यहाँ कितना लिया है तुमने 273, तो 1 डिग्री बढ़ाएगा तो यहाँ प्लस वन करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ इस पर कितना करेगा 273 या 1 बनी देखेगा। तो हमने ये भी कैलकुलेशन तो करके हम यहाँ ये डायरेक्शन लाए हैं, हमने कोई अलग को थोड़ा किया, हम तो कन्वर्ट पहले ही कर चुके हैं। हमने तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को इजी कर दिया है कि हम बार बार इसको टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम टी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम जीरो के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी के लिए नहीं। आगे बताएं, इसलिए हम यहाँ पर 273 नहीं करेंगे, यहाँ केवल कितना लिखेंगे अपन, बनी लिखेंगे। और दूसरी बात, केमिस्ट्री के अंदर कभी भी हम टेम्परेचर को स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां डिग्री सेंटीग्रेड में आपको वैल्यू लिखनी है, और कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब कैल्विन में लिखनी है। ये थोड़े से सिंपल से अलग अलग कर रखते हैं, ठीक है। जनरली हम टी से स्मॉल टी से टाइम को डिनोट करते हैं, यदि कहीं हमने टेम्परेचर को स्मॉल टी से डिनोट किया है इसका मतलब आपको वहां टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करना, ठीक है भाई। आप सीधी सी बात है, दो बार थोड़ा कन्वर्ट करोगे, आपको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हो। अब चाहे यहाँ आप 10 लिखो, 50 लिखो, 60 लिखो, कन्वर्ट हो गया, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट, हाँ जी बात क्लियर हो गई भैया। बहुत अमागेट ने क्या कहा था कि इस कंडीशन को गैसेस फॉलो नहीं करती है, केवल लो प्रेशर पर ही फॉलो करती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गैसेस केवल लो प्रेशर पर ही आइडियल बिहेवियर इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर Change in volume per degree must be must be 1/273, ठीक है भाई, must be 1/273. Amagate observed experimentally, अभी मेरे को लिखना अगला सेक्टर, Amagate observed experimentally that this change is possible. This change is possible only at very low pressure. At
एंड वाई इंक्रीजिंग इन प्रेशर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। भाई देखो ये आप चाहे आप चाहो वैसे तो आपके कोर्स में ये है नहीं टॉपिक, आप चाहो तो केवल ये वाला फॉर्मूला आप लिख लेना या ये और ये दोनों लिख लेना, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा किस तरीके से हमने टेम्परेचर को 1.27 डिग्री और लिख देना उसमें आगे की तरफ 400। नेक्स्ट डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, डेविएशन फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ। अभी देखो भाई एक मोल गैस कितने पर रखी हुई है 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये एक आइडियल कंडीशन, 1 मोल गैस 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है, इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। यदि इस पर है, इस कंडीशन पर है, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया ये जब आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो जो गैसेस इस कंडीशन को फॉलो करेंगी वो आइडियल गैस, लेकिन जब एमआरडीट ने हर गैस के लिए इस कंडीशन को निकाला तो गैसेस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑब्टेन नहीं हुआ, जिसके बेसिस पर हमने लगाया कि ये कंडीशन केवल लो प्रेशर पर पॉसिबल कंडीशन है, बाकी की जगहों पर ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से रियल गैसेस किससे डेविएशन शो कर जाती हैं, एवोगाड्रो लॉ से डेविएशन, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं अपन, हमने पहले आइडियल बिहेवियर पढ़ा था जिसमें हमने लॉज वगैरह पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने केटीजी पढ़ी थी, केटीजी में उसने ये बताया था कि किस किस तरीके से आइडियल गैसेस के कंडीशन उसके बाद हमने इसमें डेविएशन स्टार्ट किए कि यहां डेविएशंस किस तरीके से हुए, वॉइस से डेविएशन कैसे हुआ है, चार्ज से कैसे हो गया, वैल्यू से कैसे हो गया और एवोगाड्रो यानी क्या-क्या इनमें चेंज आया, इसके बेसिस में हम कह रहे हैं कि आइडियल गैसेस अलग हो गई और रियल गैसेस अलग हो गई। आइडियल गैस केवल एक कंडीशन है, क्या कोई बच्चा आइडियल हो सकता है आप, पॉसिबल एग्जैक्टली बात पॉसिबल नहीं है, आइडियल कंडीशन नहीं। तो आइडियल वर्ड जब भी अपन लिखते हैं वो केमिस्ट्री में एज्यूमिंग कंडीशन मानी हुई कंडीशन से वो पॉसिबल है। आप भी नेचुरली चाहो कि आइडियल गैस अपन ऑब्टेन कर ले तो आपको स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाकर के किसी एक प्रॉपर कंडीशन पर वो आइडियल हो जाएगा, और यदि उस कंडीशन से आप नेट भी थोड़ा बदल सकते हैं तो आइडियल बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो वही कंडीशन है कि आइडियल केवल एक एज्यूमिंग कंडीशन है, जैसे अपन एटम की बात करें, एटम किसी ने नहीं देखा लेकिन उसकी बहुत सारी कंडीशन दी हुई, क्या करते थे हम उसके एक्सपेरिमेंट करते थे और उस एक्सपेरिमेंट जैसा रिजल्ट आता है वैसा बताते थे, ऐसा होगा इस तरह ऐसा हो सकता है, और उसी की वजह से एटम की पूरी हमने डिटेल शो कर दी। न्यूक्लियर किसी ने नहीं देखा, क्या न्यूक्लियर रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन
लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो मैं लगा लूंगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरीके कई सारी चीजें एजुकेशन कंडीशंस मान लेते हैं बच्चा, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
हाँ भाई अब सुने ध्यान से। देखो यदि हम आइडियल बिहेवियर में डेविएशन की बात करें तो उसके दो ही रीजन है, एक वॉल्यूम और दूसरा प्रेशर। दो रीजन हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये बच्चा यहाँ से एक्सपेंड होना चाहता है, एक्सपेंड का मतलब फैलना चाहता है, फैलने का मतलब किसी भी जगह बैठ सकता है, तो कितनी जगह बैठ सकता है इस कमरे में, कितनी जगह एक्सपेंड हो सकता है, पूरे वॉल्यूम के बराबर। तो तेरी कचरे पे बैठे वो है डाइपोल है, वो नहीं मैंने कही है तो कमरा बाहर है, तो कितने में एक्सपेंड हो सकता है पूरे कमरे कहां, वो पूरे कमरा में लिया बैठ गया इसे में बैठ गया खुद का बाहर में जाते जाए। कहने का मतलब जो हमने गलती की थी वो यही गलती, इसके अंदर रियल है, रियल गैसेज को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हमने ऑब्जर्व किया था, और उस कंडीशन में जब हमने गैस को देखा तो लो प्रेशर है पूरी तरीके से एक्सपेंड हो गई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया उस गैस का, और गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम बहुत कम हो गया, जो कि गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में 0.01% था, जिसको हम नेग्लिजिबल करके हटा दिया। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम तो कम हो गया, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, वो उतना तो उतना रहेगा। अब इस कंडीशन में उनका वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 1.4%। अब इस कंडीशन में हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, जबकि आइडियल गैस में वो पॉइंट नेग्लिजिबल। तो पहला जो पॉइंट था, जो पहला इसमें रीजन था, वो यही था कि वॉल्यूम जो था उसमें क्या किया था हमने, कि वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम हमने जीरो कर दिया था, नेगेटिव, जो कि केवल इस पर पॉसिबल था वेरी लो प्रेशर एंड हाई। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, टेम्परेचर कम करने पर या प्रेशर इंक्रीज करने पर आइडियल बिहेवियर से क्या हो गया, डेविएशन। बात क्लियर भैया, चलो लिखें। देखें फर्स्ट पॉइंट लिखें, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द in comparison to the total volume occupied by the gas। This condition is nearly true under the normal conditions of temperature and pressure. Normal conditions of temperature and pressure. Because under these conditions, the volume of gas molecules, is 0.012%, 0.014% as comparison to total volume of gas.
बट एट हाई प्रेशर, बट एट हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिग्री, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिग्री, बट बट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, बट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन कॉन्स्टेंट. इन दिस कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, the volume of gas molecule is 1.4% as compared and occupied volume by gas, which is not negligible, therefore the space available for space available for free movement is reduced. Free movement is reduced. ठीक है भाई, पैराग्राफ चेंज कर दिया ना. At very low temperature. At very low temperature, the total volume of gas is reduced. At low temperature, the total volume of gas is reduced also. And in this condition, the available space is also reduced. The available free space is reduced. That is. Above condition is true. कौन सी above condition? जो पहली line लिखी है हमने. पहला point लिखा है ना शुरुआत में. वो. The above condition is true only at very high temperature and low pressure. Only at very high temperature and low pressure. But by increasing in pressure and decreasing in temperature. Temperature, it is deviate from ideal behavior.
इट इज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिल्डिंग।